हेलो एवरीवन, मैं गायत्री शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ सेल बायोलॉजी, जिसमें देखेंगे लिपिड मेम्ब्रेन लिपिड के बारे में एंड लिपिड राफ्ट से आए हुए सारे क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, नॉट ओनली फॉर CSI नेट बट अदर जो भी लाइफ साइंसेज रिलेटेड सारे एग्जाम हैं उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये सारे क्वेश्चन। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है CSI नेट दिसंबर 2011 से 11 में, इसमें पूछा गया था द मेम्ब्रेन लिपिड मॉलिक्यूल्स असेंबल स्पॉन्टेनियसली इनटू बाय लेयर व्हेन प्लेस्ड इन वाटर एंड फॉर्म ए क्लोज्ड स्फेरिकल स्ट्रक्चर नोन एज। तो इसमें लाइपोसोम और जो मिसेल्स फॉर्मेशन होता है वो वाटर के अंदर कब होता है, जब बाय लेयर अगर फॉर्म हो रही है तो उसमें क्या होगा, लाइपोसोम होगा, और अगर सिंगल लेयर है, सिंगल लेयर स्ट्रक्चर और उसकी फैटी एसिड चेन भी सिंगल है, तो उसमें क्या होगा, मिसेल्स का फॉर्मेशन होगा। तो इसमें से हर बार एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, बाय लेयर अगर फॉर्म हो रही तो लाइपोसोम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन भी CSI नेट दिसंबर 2011 में पूछा गया था, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फॉस्फोलिपिड इन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ नर्व सेल इज। तो नर्व सेल के अंदर हम लोगों ने देखा था स्पिंगोमाइलिन काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट रहता है, और इसको सबसे पहले फर्स्ट टाइम जो डिस्कवर किया था वो भी नर्व सेल के अंदर ही किया था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्पिंगोमाइलिन। ये सारे भी प्रेजेंट रहते हैं अदर लिपिड मेम्ब्रेन के अंदर, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर नर्व सेल की बात करें तो स्पिंगोमाइलिन सबसे ज़्यादा प्रेजेंट रहेगा। ओके, देन नेक्स्ट ये CSI नेट जून 2012 में पूछा गया था, फॉस्फेटिडाइलसेरीन एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन इज लोकेटेड इन। तो फॉस्फेटिडाइलसेरीन के बारे में हम लोगों ने देखा था कि ये इनर लीफलेट के अंदर प्रेजेंट रहता है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक कंडीशन लाइक अगर सेल वायरस से इन्फेक्टेड है तो वो क्या हो जाएगा, फ्लिप करके आउटर साइड में चला जाएगा और फिर वो एज ए सिग्नल देगा कि ईट मी। ओके, तो उस सेल को कंसिडर करेंगे एपोप्टोटिक सेल, सॉरी वायरस इन्फेक्टेड सेल, और उसको क्या किया जाएगा, उसका प्रोग्राम सेल डेथ की जाएगी उसकी और उसका अपोप्टोसिस होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर आप दे सकते हो, आउटर लीफलेट में नहीं होता है, बोथ लीफलेट में भी नहीं होता है, मिडिल में भी नहीं होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, द इनर लीफलेट बट फ्लिप फ्लॉप टू आउटर लीफलेट अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस। ओके, देन नेक्स्ट इसमें आप कंपेयर करते जाना है कि कौन से ईयर में कौन से क्वेश्चन किस टॉपिक से ज़्यादा ज़्यादा पूछे गए हैं। इसमें देख सकते हो कि आप जून 2012 में दो क्वेश्चन सेम टॉपिक से आए हुए हैं, उसी तरह से दिसंबर 2011 में भी उसी तरह से क्वेश्चन आए हुए थे। तो ये क्वेश्चन भी जून 2012 का है, मेजर डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग लाइपोसोम एज टारगेटेड ड्रग डिलीवरी व्हीकल इज दैट। तो लाइपोसोम को क्या करते हैं हम लोग, टारगेटेड ड्रग डिलीवरी करने के लिए यूज़ करते हैं, उसके अंदर कोई भी ड्रग को असेंबल करके फिर सर्कुलेशन के अंदर जाता है लाइपोसोम, और जहाँ पे जिस स्पेसिफिक सेल को टारगेट किए हैं वहाँ पे जाके क्या हो जाता है, फ्यूज हो जाता है। तो इसका जो मेजर डिसएडवांटेज है वो ये है कि ये अगर ज़्यादा लॉन्ग सर्कुलेशन में अगर जा रहे हैं तो किसी भी सेल के लाइसोसोम के साथ भी फ्यूज हो सकता है। ओके, तो लाइसोसोम के साथ फ्यूज हो गया तो वो जो टारगेट ड्रग है वो स्पेसिफिक सेल के पास नहीं पहुंच पाएगी, तो यही इसका क्या है, मेजर डिसएडवांटेज है। तो क्या हो जाएगा आंसर, इट गेट इंटरनलाइज्ड बाय फेगोसाइटोसिस इनसाइड लाइसोसोम। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिडिक्टेड प्रॉपर्टी ऑफ लिपिड बायलेयर वुड रिजल्ट इफ द फॉस्फोलिपिड हैड ओनली वन हाइड्रोकार्बन चेन इंस्टेड ऑफ टू। तो मैंने आपको बताया था कि ये लैंग्वेज चेंज कर करके क्वेश्चन बनाते हैं लाइपोसोम और मिसेल्स के बारे में, तो ये भी मॉडल पेपर का क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है कि सिर्फ वन हाइड्रोकार्बन चेन है, तो वन हाइड्रोकार्बन चेन होगी तो क्या बनाएगा, मिसेल्स फॉर्मेशन होगा, और इन सारे ऑप्शन में बाय लेयर दिए रखा है, तो बाय लेयर नहीं होती है वहाँ, सिर्फ क्या होती है, सिंगल लेयर होती है मिसेल के अंदर। ओके, तो द डायमीटर ऑफ हेड ग्रुप वुड बी मच लार्जर देन द एसाइल चेन एंड वुड टेंड टू फॉर्म मिसेल्स रादर देन बाय लेयर। ओके,
तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये। देन नेक्स्ट है, द जेल टू लिक्विड क्रिस्टलाइन ट्रांजिशन टेम्परेचर, मेल्टिंग टेम्परेचर के बारे में बोला है, और फॉस्फोलिपिड इज डिपेंडेंट ऑन फैटी एसिड कंपोजिशन। द मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ, तो इसमें अलग अलग फैटी एसिड्स दिए हुए हैं और उनका मेल्टिंग टेम्परेचर बताना है। तो इसके लिए आपको फैटी एसिड्स के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा फैटी एसिड कितने लंबी कार्बन चेन का है और वो अनसेचुरेटेड है या सेचुरेटेड है, क्योंकि ये दोनों फैक्टर अफेक्ट करते हैं मेल्टिंग टेम्परेचर को, या तो उसकी एक तो चेन लेंथ और एक क्या है डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। तो यहाँ पे जो करेक्ट, यहाँ पे ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हैं, डाई पामिटोइल फॉस्फेटिडाइल कोलिन विल बी लोएस्ट एंड डाई ओलाइल फॉस्फेटिडाइल कोलिन विल बी हाइस्ट। तो ये नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है, मैंने मेंशन किया है कि डाई ओलाइल फॉस्फेटिडाइल कोलिन जो क्या है एक अनसेचुरेटेड फैटी एसिड है, मीन्स इसमें एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, और अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो उसमें किंक आ जाएगा, उसकी वजह से उसका जो मेल्टिंग टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा लो हो जाएगा, क्योंकि डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मेल्टिंग टेम्परेचर। ओके, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। नेक्स्ट है, पामिटोइल ओलाइल फॉस्फेटिडाइल कोलीन एंड डाई ओलाइल फॉस्फेटिडाइल कोलीन विल बी आइडेंटिकल एंड लोअर देन एंड डाई ओलाइल डाई मिरिस्टिक फॉस्फेटिडाइल कोलीन एंड डाई पामिटोइल फॉस्फेटिडाइल कोलीन। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, ये आइडेंटिकल नहीं हो सकते, ये भी रॉन्ग हो गया। ऑल द फॉस्फोलिपिड विल बी आइडेंटिकल, ये भी बिल्कुल गलत है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। देन नेक्स्ट है, डाई ओलाइल फॉस्फेटिडाइल कोलीन विल बी लोएस्ट एंड डाई पामिटोइल फॉस्फेटिडाइल कोलीन विल बी हाइस्ट। तो ये करेक्ट हो जाएगा क्योंकि डाई ओलाइल फॉस्फेटिडाइल कोलीन जो होता है वो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड है 18 कार्बन का, और उसमें एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा जिसका मेल्टिंग टेम्परेचर होता है 16.5 डिग्री सेल्सियस, और डाई ओलाइल फॉस्फेटिडाइल कोलीन जो होता है उसका जो वो है 16 कार्बन फैटी एसिड और सेचुरेटेड फैटी एसिड है। ओके, तो इसका जो मेल्टिंग टेम्परेचर होगा वो ज़्यादा होगा, 42 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो इस चीज़ को माइंड में रखना है क्योंकि सेम क्वेश्चन एक बार और आगे इसमें है, तो उसका आंसर आप ही को करना है, तो इस चीज़ को माइंड में रखना। देन नेक्स्ट है, मॉलिक्यूल्स प्राइमरीली रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लिपिड राफ्ट आर, तो लिपिड राफ्ट के टाइम हम लोगों ने देखा था स्पिंगोमाइलिन जो स्पिंगोलिपिड है वो एंड कोलेस्टेरोल काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं लिपिड राफ्ट के अंदर। इसके अलावा ग्लाइकोसाइल फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल भी प्रेजेंट होता है, लेकिन ज़्यादा अमाउंट किसका होता है स्पिंगोमाइलिन और कोलेस्टेरोल का। तो ये CSIR जून 2014 का क्वेश्चन है, और इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्पिंगोलिपिड एंड कोलेस्टेरोल। ओके, देन नेक्स्ट है, व्हेन बैक्टीरिया ग्रोइंग एट 20 डिग्री सेल्सियस आर वार्म्ड एट 37 डिग्री सेल्सियस दे आर मोस्ट लाइकली टू सिंथेसाइज मेम्ब्रेन लिपिड विद मोर। तो बैक्टीरिया के अंदर मैंने बताया था कि वो अपने एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग एक्लिमेटाइज हो जाता है, मीन्स वो अपने एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग ढलने के लिए उसकी मेम्ब्रेन के अंदर कुछ चेंजेस होते हैं मेम्ब्रेन लिपिड के अंदर। तो अगर उसको लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर पे अगर ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या होगा, सेचुरेटेड फैटी एसिड बढ़ेंगे और लॉन्ग चेन फैटी एसाइड चेन सिंथेसिस होने लग जाएगी, ताकि वो क्या, तो वो वहाँ पे अडेप्ट हो सके, उस एनवायरमेंट में सर्वाइव कर सके। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, लॉन्ग चेन सेचुरेटेड फैटी एसिड, शॉर्ट चेन नहीं हो सकता है क्योंकि चेन लेंथ क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मेल्टिंग टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ा है तो उसकी चेन लेंथ भी लॉन्ग होगी, और डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मेल्टिंग टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो अनसेचुरेशन क्या होगा, कम होगा, सेचुरेटेड फैटी एसिड बढ़ेंगे। और ये क्वेश्चन था, आया हुआ है CSIR NET जून 2015 के अंदर। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड। देन नेक्स्ट है, लिपिड राफ्ट्स आर रिच इन बोथ स्पिंगोलिपिड्स एंड कोलेस्टेरोल, ये हम लोगों को पता है। कोलेस्टेरोल प्ले ए सेंट्रल रोल इन राफ्ट फॉर्मेशन सिंस लिपिड राफ्ट्स अपेरेंटली डू नॉट फॉर्म इट्स एब्सेंस। ओके, तो कोलेस्टेरोल की एब्सेंस में लिपिड राफ्ट फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। व्हाई डू यू थिंक कोलेस्टेरोल इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लिपिड राफ्ट,
तो लिपिड राफ्ट के अंदर कोलेस्टेरोल का क्या मेजर फंक्शन होता है? वो जो दो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, एक हेड ग्रुप होता है, टेल होती है उसके अंदर, तो उसके बीच बीच में स्फिंगोलिपिड्स भी प्रेजेंट रहते हैं। तो उसके अंदर अगर स्फिंगोलिपिड्स प्रेजेंट है तो उसके अंदर एक फैटी एसिड चेन होगी और एक लॉन्ग चेन 18 कार्बन चेन होती है स्फिंगोमाइलिन की। ओके, तो उसके अंदर कुछ वॉइड्स, कुछ जगह खाली रह जाती है जिसको फिल करने का काम करता है कोलेस्टेरोल। ओके, तो कोलेस्टेरोल का क्या रोल हो जाएगा? द प्लेनर कोलेस्टेरोल मॉलिक्यूल्स आर पोस्टुलेटेड टू फिल द वॉइड्स दैट फॉर्म अंडरनीथ द लार्ज हेड ग्रुप ऑफ द स्फिंगोलिपिड। ओके, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनादर, ये तीनों कैसे रॉन्ग है? क्योंकि कोलेस्टेरोल डिक्रीज द मोबिलिटी ऑफ स्फिंगोलिपिड्स इन द लिपिड बायलेयर, डिक्रीज नहीं करता है, ये क्या करता है, उसको मेंटेन करके रखता है, उसकी रिजिडिटी को ना तो ज्यादा बढ़ने देता है ना ज्यादा कम होने देता है, तो ये करेक्ट नहीं हो सकता। नेक्स्ट, लार्ज हेड ग्रुप ऑफ स्फिंगोलिपिड्स रिपिल ईच अदर इन द प्रेजेंस ऑफ कोलेस्ट्रोल, नहीं रिपिल नहीं करेंगे, वो क्या करेंगे, अटैच होके रहेंगे एक दूसरे से। देन नेक्स्ट है, कोलेस्ट्रोल इंटरेक्ट विद फैटी एसिड टेल इन द मेम्ब्रेन। हाँ, फैटी एसिड टेल के साथ इंटरेक्ट तो रहता है, लेकिन ये इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें पूछा गया कि कोलेस्टेरोल की क्या एसेंशियल रोल है लिपिड राफ्ट के अंदर। ओके, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो है फोर्थ। देन नेक्स्ट है, द जेल ऑफ जेल टू लिक्विड क्रिस्टलाइन फेज ट्रांजिशन टेम्परेचर मीन्स मेल्टिंग टेम्परेचर इन फॉस्फेटिडाइलकोलीन। ये सेम वही क्वेश्चन है जो पिछली बार आया हुआ है, वो 2013 में आया था, ये 2016 का क्वेश्चन है। ओके, तो आप कंपेयर कर सकते हो कि किस तरह से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, उसमें थोड़ा बहुत चेंज कर देंगे लेकिन उसमें सेम कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो द जेल टू लिक्विड क्रिस्टलाइन फेज ट्रांजिशन टेम्परेचर इन फॉस्फेटिडाइल कोलीन लिपिड्स कंपोज ऑफ डाईओलाइल डाईपामिटोइल डाईस्टीरोइल एंड पामिटोइल ओलाइल फैटी एसिड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर विल बी। तो इसका आंसर आप मुझे करोगे कि इसका करेक्ट ऑर्डर क्या होगा। ओके, तो मैं जो भी क्वेश्चंस बोलती हूँ कि इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में करना, तो ये इसलिए करती हूँ ताकि आप लोगों का नॉलेज बढ़े, आप लोग उसके ऊपर कुछ एफर्ट्स अपने भी लगाओ। ओके, तो इसमें आपका ही फायदा होने वाला है, तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें। और इसके अलावा दो काफ़ी ज़्यादा गुड न्यूज़ हैं लाइफ साइंसेज से रिलेटेड एस्पायरेंट्स के लिए। अगर आपने जून 2019 का पेपर अपियर किया है तो उसका भी वापस रिपीटेशन में रिजल्ट आया है। और एक और गुड न्यूज़ ये है कि बेट का जो अभी फॉर्म निकला था उसमें अगर किसी का छूट गया हो तो वापस से उसके फॉर्म क्या हो गए, रीओपन हो चुके हैं। ओके, तो ये गुड न्यूज़ है। तो अगर आपने फॉर्म फिल नहीं किया पहले से तो 20 अगस्त से वापस से रीफिल का ऑप्शन उसमें स्टार्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन है, अब रिमेनिंग क्वेश्चन हम लोग कल डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।